हेलो गाइस, आज का इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ही ज़्यादा काम का है। एक्चुअली में आप सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो गाइस, आप सोच रहे होगे टॉपिक कौन सा है, पर ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपको तो थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि वीडियो का टॉपिक क्या है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में अपन सब बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, कि यूट्यूब चैनल को क्रिएट कैसे करना है, और मैं बात करूँगा उसके कुछ 2020 के बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो कि एक बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। सो गाइस, इस टाइम पे मैं भी एक बिगनर हूँ, सो मैंने ये सब चीज़ें यूट्यूब पे देखी, महसूस की, फील की और एक्सपीरियंस भी की। सो इस वीडियो का पर्पस है आप लोगों को इन्फॉर्म करना कि यूट्यूब के 2020 के एल्गोरिथम क्या हैं, एंड मैं आपको दिखाऊंगा एक कमाल का एनालिटिक मेरी इस एक वीडियो का, जहां पे मुझे एक दिन में, मात्र एक दिन के अंदर YouTube सर्च एंड ब्राउज फीचर्स के थ्रू इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला है जिसको आप अपने माइंड में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, आप अपने माइंड में उसको सोच भी नहीं सकते। अब गाइस, एनालिटिक क्या होता है? सो मैंने एक वीडियो बनाई थी SEO क्या होता है एंड वीडियो को रैंक कैसे करना है, कीवर्ड रिसर्च क्या होता है। सो उसकी जो लिंक है वो ऊपर आई मार्क में आपको मिल जाएगी। सो वीडियो में आगे उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा आपके यूट्यूब चैनल को, अगर आप एक बिगनर हो तो चैनल क्रिएट कैसे करना है। सो गाइस, वीडियो शायद तक दो पार्ट में बन जाए, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो गाइस, उसको पूरा ज़रूर देखना। सो गाइस, मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो टेक ट्रूथ्स। वीडियो को शुरू करते हैं। जहाँ पे मैं आपको स्टेप बाई स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपके आपको अपने यूट्यूब चैनल को क्रिएट करना है। सो बहुत जल्द मैं छोटा होने वाला हूँ, बहुत जल्द लैपटॉप स्क्रीन आपके पीछे मेरे बैकग्राउंड में आ जाएगी और मैं नीचे रह रहा हूँ, और हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल को। सो गाइस, फटाफट चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे फाइनली हम लोग बात करेंगे कैसे क्रिएट करना है अपने यूट्यूब चैनल को। जहाँ पे आपको दिख रहा है YouTube का इंटरफेस, जहाँ पे ये थी हमारी लेटेस्ट वीडियो एडिटिंग के ऊपर, कैसे आपको फ्री में एडिट करना है सब कुछ। और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुझे एक दिन में YouTube सर्च से, जहाँ पे मेरे चैनल पे खाली 563 सब्सक्राइबर हैं, मेरे लिए खाली नहीं है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, पर नॉर्मली देखें तो बहुत ज़्यादा कम है। सो जहाँ पे खाली 563 सब्सक्राइबर्स, एंड अब चलते हैं इधर, एंड अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा इधर क्या लिखा है, क्रिएट अ चैनल। सो क्रिएट अ चैनल पे आपको क्लिक करना है। सो वापस से देखो, मैंने क्लिक किया था, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आपको दिखे, पहले अपने नाम पे क्लिक करना है इधर, एंड उसके बाद जो क्रिएट अ चैनल मैंने आपको बताया था उधर क्लिक करना है। सो उधर आप लोग क्लिक करेंगे। अब जैसे हम लोग इधर क्लिक करेंगे, सो आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, जहाँ से आपको अगर ये जो नाम आपने अपनी आईडी बनाते वक्त रखा था वो भी आप ले सकते हो, अगर वो नहीं लेना है तो आप अपना कस्टम नेम भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप अपना खुद का कस्टम नेम लो। इसके ऊपर मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, पर मुझे लगा अब अपना सेटअप थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो चुका है तो अपने को और अच्छा बनाना चाहिए। सो अब इस पर हम लोग क्या डालेंगे? सो नेम सोचने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, मेरे पास नहीं है, मैं आपको फटाफट से इस पर कुछ भी अच्छा सा नाम लिख देता हूँ। सो हम इस पर लिखेंगे AJ Vlogs, ये AJ Vlogs सही है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। सो AJ Vlogs, अब आपको आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है, एंड मैं सोचता हूँ AJ Vlogs के बीच में, हाँ इस पर लिख देते हैं AJ is vlogging। अब ऐसा नाम YouTube पे किसी का नहीं लगेगा मुझे। सो अब इसको हम लोग क्रिएट कर देंगे, और चैनल तो क्रिएट हो गया पर इतना आसान नहीं है। अगर आपने YouTube पे जर्नी स्टार्ट करने का सोच ही लिया है
तो क्यों ना इस जर्नी को थोड़ा सा अच्छा रखें। तो इस पे हम लोग अपलोड करेंगे एक प्रोफाइल पिक जो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। ओके सो अब इस पे तो मैं बाद में आपको अगर करनी है सो इस पे क्लिक करोगे तो आपका ये डॉक्यूमेंट फाइल खुल जाएगी। इसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं सो कोई भी फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हो। कर लेना, ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है बताने लायक, पर आप बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ इस पर अपलोड कर सकते हो। हाँ गाइस, अगर आप ये चीज़ मोबाइल में करना चाहते हो तो बिल्कुल भी इस वीडियो को बंद मत कर देना, आप ये मोबाइल पे भी कर सकते हो। आपको मेरे साइड में एक इंटरफेस दिख रहा होगा जहाँ पे आपके मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र खुला है। ये iOS में भी आप कर सकते हो और एंड्रॉयड में भी आप कर सकते हो, दोनों में एप्लीकेबल है। सो अब मेरे बैकग्राउंड में क्या खुला है, क्रोम ब्राउज़र। उसमें सेम ऊपर क्लिक करो, यूट्यूब ओपन करने के बाद ऊपर अपने नाम पर क्लिक करो और या तो iOS है तो iOS का इधर दिख रहा है और Android का इधर दिख रहा है, दोनों में आपको दिख रहा है। सो आप इसको फॉलो कर लो और आपको पता चल जाएगा उसको कैसे करना है। सो अब बात करते हैं डिस्क्रिप्शन के बारे में। सो डिस्क्रिप्शन में आप क्या डालोगे, क्या होना चाहिए डिस्क्रिप्शन के अंदर, सो इसके ऊपर आप एक नज़र डाल लेते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में हम लोग ऐड करेंगे, कुछ भी ऐड कर सकते हो, हाय गाइस दिस इज माय ब्लॉगिंग चैनल, दिस इज माय ब्लॉगिंग चैनल, और मैं ये फटाफट ऐड कर लेता हूँ, ये पार्ट अपन स्किप करते हैं। ओके सो ये फटाफट मैं ऐड कर लेता हूँ, ये पार्ट हम लोग स्किप करते हैं। इसके बाद मैं बताऊँगा आप अपनी लिंक्स को अबाउट में कैसे ऐड कर सकते हो। सो इस वीडियो में तो बेसिकली यही चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अगली वीडियो में मैं आपको इसके एल्गोरिथम के बारे में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो को ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं खींच सकते हैं। सो इसको अगली वीडियो में, सो इसको स्किप करते हैं एंड बात करते हैं अब इसमें लिंक्स कैसे। अब मैंने इस डिस्क्रिप्शन को पूरा टाइप कर लिया है, ठीक है। सो अब आप अगर आप एक रैंक्ड यूट्यूबर हो, मतलब आपकी आपके चैनल ने इनकम जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है, सो आपको क्या करना है, सिंपली दो एंटर मारो एंड इधर बिजनेस, हाँ या बिजनेस लिख दो, बिजनेस इंक्वायरीज लिख दो, और इधर लिख के आपकी जो भी ईमेल है जिसपे आपको स्पॉन्सरशिप के मेल्स चाहिए वो आप इधर ऐड कर सकते हो। सो ये हम लोग ऐड करते रहेंगे बाद में। अब बात करते हैं वेबसाइट्स के बारे में, जो आप लिंक्स जो है आपकी अबाउट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। सो इधर अगर वेबसाइट की बात करें तो अगर आपकी वेबसाइट है तो आप इधर ऐड कर देना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। अपनी एक वेबसाइट का वीडियो मैंने बनाया था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कैसे वेबसाइट को क्रिएट करना है। सो उधर ये हमारी वेबसाइट है जो आपको ऊपर कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रही होगी, उसको कॉपी कर दें एंड अभी के लिए इसको इधर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट कर दिया, अब बात आती है फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की। तो आपको करना कुछ नहीं है, इसको इधर आपके इंस्टाग्राम का नेम ऐड कर दो, तो मैं तो ऐड करूँगा मेरे टेक ट्रुथ्स का ईमेल, मैंने ऐड कर दिया, एंड इधर भी टेक ट्रुथ ऐड कर दिया एंड फेसबुक पे भी टेक ट्रुथ, सब जगह पे एक ही नेम है। जाके सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना एंड उधर भी जुड़े रहो, उधर बहुत जल्दी अपडेट्स आते हैं। तो अब इसको सेव करेंगे एंड अब आपको क्या करना है, वेट करना है जब तक ये प्रोसेस हो जाता है। सो गाइस, चैनल क्रिएट हो गया पूरी तैयारी के साथ। सो एजेस ब्लॉगिंग, अब अबाउट में जाओ एंड माय वेबसाइट की लिंक क्रिएट हो गई, ट्विटर की हो गई, फेसबुक की हो गई, इंस्टाग्राम की हो गई। अगर ट्विटर खोलूँ सो ट्विटर पे पेज खुल जाएगा टेक ट्रुथ्स का, सो कुछ इस टाइप का पेज है, आप जाके मुझे फॉलो कर लेना। ये देखो इधर सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, जो भी अपडेट है सब मैं इधर देता हूँ। अगर मैं फेसबुक की बात करूँ तो फेसबुक का भी इधर ओपन हो जाएगा। अच्छा पेज ओके, वो मेरा पहले से ये पेज खुला है। सो अब इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूँ सो ये आप देख सकते हो इंस्टाग्राम का भी ओपन हो गया। सो देखा आपने,
कैसे आप अपने सारे की सारी सोशल मीडिया की लिंक्स जो है वो भी इधर दे सकते हो। अगर आपका कोई शॉप है, उसकी मर्चेंडाइज है, उसकी वेबसाइट है, तो वो भी आप ये देखो पूरा इधर दे सकते हो। एंड अब मेन थिंग, आपको इसका लोगो और अच्छा सा चैनल आर्ट क्रिएट कैसे करना है, तो आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करना है। फिर से बता देता हूँ, ये जूम करके, ये जो इधर कस्टमाइज चैनल है, अगर नहीं दिखता तो थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं। इधर कस्टमाइज चैनल का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक करना है। एंड ऐसा कुछ चैनल कस्टमाइजेशन का इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा। ओके, थैंक यू। एंड अब आपको चैनल का ट्रेलर फीचर, ये हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। सो इधर पहले मुझे कुछ वीडियो अपलोड करनी होगा, और ये मेरे चैनल का लिंक इधर क्रिएट हो गया। ओके, अब ये सो ये इंटरफेस खुल गया और ये आपका चैनल क्रिएट हो चुका है। सो गाइस, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे क्रिएट करना है अपने चैनल के लिए अच्छा सा लोगो, अच्छा सा चैनल आर्ट। हालांकि मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। सो अगले वीडियो में कुछ एल्गोरिथम्स के बारे में मेनली बात करेंगे कि आपका जो चैनल मोनिटाइज होता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, जो गलती मैंने भी की, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर्स करें। सो अगली वीडियो में उसी बारे में मैं आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। बाय बाय।